तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं डेटा समराइजेशन फॉर्मूले, जैसे कि समिंग वगैरह के। जैसे आपके सामने डेटा दिख रहा है, मुझे मान लीजिए कि इस पे टोटल चाहिए, इसका क्वांटिटी का टोटल चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम करेंगे सम इफ सॉरी सम सम, और यहां से हम क्वांटिटी का टोटल निकालेंगे, ओवरऑल टोटल निकालेंगे। लेकिन मुझे इसमें चाहिए कि कैश कितना था, ऑनलाइन कितना था। तो इसमें हम लगाएंगे सम विद कंडीशन, सम इफ मतलब सम विद कंडीशन। हमने यहाँ पे रेंज जी लिया, रेंज में हमने यहाँ पे लिया कि भाई हमारा ऑनलाइन और कैश कहाँ मैच होगा, तो कॉलम बी में। और हमारा क्राइटेरिया क्या है, ए रहा। और हमारी सम रेंज क्या है, तो सम रेंज ये रहा। एंटरप्राइज किया, देखिए 1123 आ। एक बार दोबारा लगा के दिखा रहा हूं कि सम इफ, और हमने यहाँ पे रेंज लिया, इसको सिलेक्ट किया, और ब्रैकेट में हमने लिया ऑनलाइन को, और फिर सिलेक्ट किया हमने क्वांटिटी, देन एंटर। ये देखिए आपके सामने आ जी रहा, ठीक है। जी तो ग्रेटर देन 50 में यहाँ पे मान लीजिए करना है कि ग्रेटर देन 50 वाले एमआरपी की क्वांटिटी कितनी है, तो हम ग्रेटर देन 50 को इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे करेंगे ऑल्सो सम इफ, हम लेंगे एमआरपी, इसमें ग्रेटर देन 50 और यहाँ हमारा क्वांटिटी। तो इस पे जो है इस तरह से हम ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू जैसे लगा सकते हैं। लगा सकते ठीक है, जी सर जी सर अब यहां पे अब आती है बारी कि अगर नाम पूरा जैसे यहाँ पे रेफरेंस है, तो कहीं पे रेफरेंस होता है किसी में रेफर होता है, रेफरेंस पूरा लिखा राइट। तो अगर हम जी दोनों तरफ तो स्टार लगा देते हैं जो कंटेन होता है, तब तो यहाँ पे हम सम इफ लगा सकते हैं कि सम इफ हमने ओके लिया अपना रेंज, हमने सिलेक्ट किया इसको, फिर हमने अपनी क्राइटेरिया रेंज सम रेंज को ले लिया जो कि ये रहा, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आया। ओके सर ओके ठीक है, जी। अब यहाँ पे रेफरेंस में अगर मैं स्टार बाद में लगाया तो स्टार्ट विद रेफरेंस होगा, पहले लगा दिया तो एंड विद रेफरेंस हो। ओके ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मुझे नहीं पता क्या है, बट इसमें हमारे पास कुछ कोड है, कुछ वेंडर कोड है, मुझे नहीं पता है वेंडर कोड क्या है, पर इतना पता है कि वो 3 डिजिट का, जैसे कि यहाँ पे R10 या R05 ऐसे 3 डिजिट के हैं। तो मैं यहाँ पे जी 3 बार क्वेश्चन मार्क डालूंगा और यहाँ पे कर दूंगा सम समझ इफ, और यहाँ पे हम रेंज को ले लेंगे, देन क्राइटेरिया, देन हमारा सम रेंज देगा। ठीक है, जी जी क्लियर है। जी 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 लेकिन कब क्या हो, जब मेरे पास मल्टीपल कंडीशन हो, मुझे ऑनलाइन कैश और एनजीओ का टोटल क्वांटिटी चाहिए, तो यहां पे हम देंगे ओके सम इफ्स। सम अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस है तो सम इफ्स जी यहाँ पे, आईएफएस हाँ यहाँ पे लगाएंगे अपना रेंज क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 2, एंटर मारिए, देखिए 84 आ। ठीक है, जी। सर इस वाले इस कंडीशन वाले में पहले कंडीशन अपन में ने पहले अपन क्वांटिटी सेलेक्ट क्वांटिटी किया था, सेलेक्ट किया जी। ये जो लास्ट ये लास्ट, एक बार हाँ फिर से पहले बताइए क्वांट सर। नहीं, पहले क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, इसको सम करना है, फिर पहली क्राइटेरिया जिसे ऑनलाइन लेकिन जिसमें मैच करना है, फिर हमने क्राइटेरिया दिया, फिर दूसरी क्राइटेरिया लगाया जिसमें हमें कैश मैच इसको मैच करना था कैश को, जी। फिर हमने क्राइटेरिया दिया कैश, फिर यहाँ पे चौथा क्राइटेरिया हमने दिया अपना जहां पे मुझे एनजीओ मैच करना है,
फिर हमने एनजीओ को दे दिया। जी ठीक जी है, बट ऊपर के बट ऊपर कंडीशन, के कंडीशन, ऊपर के जो ऊपर थे के जो उसमें हमने रूल्स में हमने क्वांटिटी बाद में क्वांटिटी लिया बाद था में ना। लिया। जी हाँ, सम इफ्स के अंदर में सम रेंज आपको पहले बना। ओके ठीक है, सम रेंज पहले आपको बना, राइट। ओके, जो ओके, रिजल्ट जो चाहिए वो रिजल्ट पहले चाहिए वो हम पहले सेलेक्ट हम करेंगे। सेलेक्ट करेंगे। जी जी बिल्कुल। राइट सर, आगे बढ़े। जी सर, जी सर, अब यहां पे हम बात करते हैं एवरेज पे। सेम हम एवरेज भी लगा सकते हो। आप ओवरऑल एवरेज चाहिए तो यहां पे आप एवरेज दें और एवरेज में आप सेलेक्ट कर ले इसका एवरेज। एवरेज आ गया। देखिए, मुझे कैश का एवरेज चाहिए तो यहां पे मैंने लगाया एवरेज इफ। एवरेज इफ में हमने लिया पहले जहां पे कैश और ये मैच करना है, दिन मैंने यहां पे एवरेज लिया। उसके बाद हमने बताया कि किसका एवरेज निकालना है, तो एमआरपी का एवरेज निकालना। उसके बाद से मुझे ग्रेटर देन 10 वाले का एवरेज निकालना है कि एमआरपी कितना है। तो यहाँ भी हम जी। एवरेज इफ का इस्तेमाल करेंगे। एवरेज इफ जहां पे हम देंगे जिसका एवरेज रेंज हमारा जिसमें हम मैच करना है, तो इस पे मैच करना है क्या, क्वांटिटी एवरेज किसका निकालना, इसका निकालना। और सम इफ की तरह इसमें सारे टूल्स एप्लीकेबल होंगे, लेकिन जहां पे मल्टीपल कंडीशंस हो जाएंगे कि ऑनलाइन और कैश का एवरेज सेम चाहिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एवरेज इफ्स का इस्तेमाल। सम इफ और एवरेज में कोई अंतर नहीं है, बस एवरेज निकालता है, सम निकालता है, सिर्फ इतना ही अंतर। ठीक है, जी, जी, तो दिक्कत नहीं इसमें। नहीं सर, नहीं सर, तो यहां पे एवरेज रेंज लेंगे, जैसे एमआरपी का एवरेज चाहिए तो पहले एवरेज ले लिया। फिर हम जी पहली क्राइटेरिया जो कि हमारा सेल्स टाइप है वो क्राइटेरिया ले लिया। दूसरी क्राइटेरिया में पेमेंट मोड है, पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर लिया और फिर हमने पेमेंट मोड लेके एंटर मारा, रिजल्ट आ गया। जी। उसी तरीके से मुझे मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, तो हमारे पास एक मैक्स इफ का, मैक्स इफ नहीं, सी सा डायरेक्ट मैक्स इफ्स है। इसे हम देंगे मैक्स रेंज कि मैक्सिमम किसका चाहिए, तो मैक्सिमम चाहिए मुझे एमआरपी का। ठीक है, और मैंने बोला कि मुझे पे मोड में कैश चाहिए। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन जैसे सम इफ्स एवरेज लगाए हैं, उस तरह से आप इसको भी लगा सकते हो। मैक्स की जगह पे यहाँ पे आपके सामने मिन भी है, तो यहाँ पे मिन इफ्स भी लगा सकते हैं। तो मुझे इसको सिलेक्ट कर लिया और मिनिमम चाहिए, एमआरपी का मिनिमम चाहिए। तो क्राइटेरिया पहला कौन सा है, तो पे मोड है और यहाँ पे कैश चाहिए। ऐसे दूसरी तीसरी क्राइटेरिया चलती रहेगी। तो ठीक है, ओके जी। डाउट इसमें। नहीं सर, नहीं सर। अब इसी में हम बात करते हैं काउंट इफ की। देखिए, काउंट के दो तीन फॉर्मूले पहले जान लीजिए क्या है। सबसे पहले है काउंट, काउंट द नंबर, किसी भी नंबर को काउंट करना। देन काउंट ए, नंबर और टैक्स दोनों को काउंट करता है। जैसे देखिए 99 हो गया क्योंकि इसने एक हेडिंग को काउंट किया, बट काउंट ने हेडिंग काउंट नहीं किया। देन आता है काउंट ब्लैंक, तो एक ब्लैंक सेल को काउंट करता है, कितने सिलेक्टेड है, कितने ब्लैंक है, इससे निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन चाहिए कि मुझे कैश कितना, कैश की टोटल इनवॉइस कितनी बनी है, तो मैं यहाँ पे काउंट इफ लगाऊ, काउंट इफ इसको सिलेक्ट कर लिया एंड कैश। लेकिन मुझे ऑनलाइन में कैश कितना हुआ है, तो यहां मैं लगा दूंगा काउंट इफ और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा रेंज। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया क्राइटेरिया, फिर यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया अपना नहीं उल्टा हो गया, हम यहां करेंगे काउंट इफ, काउंट इफ सॉरी, काउंट इफ क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्राइटेरिया पे मोड, ठीक है, आ गया 36, जी क्लियर इसमें। जी सर, जी सर,
तो काउंट इफ्स, और काउंट इफ में भी वो लेस देन ग्रेटर देन, मैक्स इफ में भी लेस देन ग्रेटर देन, और जो स्टार वाला सिस्टम था जो पहले हमने समिट बताए थे, उस सारे इसके अंदर काम आए। ओके ओके ठीक है, जी सर क्लियर है कोई डाउट इसमें? नो सर अब चलिए कुछ यहाँ पे स्मॉल और लार्ज के बारे में बात करें। वैसे मैक्स की, हमने मैक्स का फॉर्मूला लगाया, तो इसमें मान लीजिए कि मुझे मैक्स फॉर्मूला लगाया, मैक्सिमम एमआरपी पता चल गई राइट 90, लेकिन मुझे चाहिए पहले यहाँ पे टॉप 5 एमआरपी चाहिए, पहला दूसरा ओके तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, या बॉटम 5 मुझे यहाँ पे एमआरपी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला हम लार्ज का, किसका? लार्ज। लार्ज में लॉन्च हमने सेलेक्ट कर लिया एमआरपी को, सिलेक्ट करें सिंपली। अब सब में 90 आएगा क्योंकि 90 ही कई बार रिपीटेड, ठीक है ना? तो रिपीट होगा तो जी रिपीटेड आएगा, ऐसा नहीं कि आपको ये यूनिक करके देगा, नहीं, अगर 90 पांच बार रिपीट है तो 5 बार 90 आओ। ओके जैसे यहाँ 95 कर दिया, यहाँ पे 96 कर दिया, यहाँ पे आपका 98 कर दिया, तो देखिए आ गया सर। जी ऐसे स्मॉल फॉर्मूला है जो कि क्या करता है, स्मॉल निकाल इसमें से, ठीक है, क्लियर है जी इसमें? जी सर जी सर, चलिए तो ये फाइल मैं आपको भेजता हूं, साथ में हम आपको कुछ क्वेश्चन ठीक भेजते हैं आज। ओके सर ओके क्वेश्चन क्या है बताओ तो, आप सम इफ प्रोजेक्ट है, ओके सम इफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पे एक में लगाया हुआ है, उसी हिसाब से एक में लगा कैसे दिया, सम ऑफ क्वेश्चंस जो है, ओ सॉरी मैं रिपीट कर दिया था, लगा दिया लग रहा है। देखिए दो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चंस है, उसको आपको करना है। जी जैसे मैं यहाँ सुनील कानपुर और 2021 करता हूं, तो मुझे क्वांटिटी का सम और एवरेज मंथ वाइज आना चाहिए, डेटा है आपके पास, ठीक है। ओके जी और दूसरा है कि मैं यहाँ पे जो मंथ सेलेक्ट करूँ उस मंथ का मुझे स्टार्ट टू एंड आना चाहिए, जनवरी से ओके लेकर मई तक का सेल्स का क्वांटिटी एमआरपी और एवरेज, एमआरपी का एवरेज क्वांटिटी का समान चाहिए। अब यहाँ पे मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, 2021 सेलेक्ट करूँ तो क्वांटिटी का टोटल आ जाए क्वार्टरली, और ऐसे ही मैं यहाँ पे ईयर मंथ और डेट, ईयर मंथ सेलेक्ट करूँ तो मुझे इस ईयर मंथ का वीकली टोटल आना चाहिए, ओके सर ठीक है ना? ये दोनों फाइल आप